तो गाइस इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D एंड GTA 5 को आज हम कंपेयर करने वाले हैं। वेट गाइस यार, यहां पर मैं GTA 5 एंड इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बिकॉज़ GTA 5 से टक्कर कोई भी नहीं ले सकता, बिकॉज़ वो वन ऑफ द बेस्ट गेम है। बट हम कंपेयर कर सकते हैं कि यहां पर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर कौन सी चीज है एंड GTA 5 के अंदर कौन सी चीज है, यानी कि चीजों को कंपेयर करने वाले हैं। एंड मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि कौन सा गेम इन दोनों में से बेस्ट है। वैसे यहां पर GTA 5 बेस्ट है, बट हो सकता है कि यहां पर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D भी बेस्ट निकल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। एंड अगर आप यहां पर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D लवर है तो इस वाले वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D कैरेक्टर के बारे में। तो यहाँ पर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर ये वाला कैरेक्टर है। एंड मजे की बात ये है कि इस वाले गेम के अंदर यहाँ पर ओनली एक ही कैरेक्टर है। बट अब बात करते हैं GTA 5 के बारे में, तो GTA 5 के अंदर यहाँ पर यह है फ्रैंकलिन, इसके अलावा दो कैरेक्टर और है। बट यहाँ पर मेरा फेवरेट ओनली फ्रैंकलिन है। एंड इसके अलावा एक और कैरेक्टर है, उसका नाम है यहाँ पर माइकल। तो गाइस माइकल भी काफी अच्छा कैरेक्टर है। एंड इसके अलावा एक और कैरेक्टर जो काफी खतरनाक कैरेक्टर है, उसका नाम है ट्रेवर। तो गाइस यहाँ पर ये तीन कैरेक्टर है, माइकल, ट्रेवल एंड फ्रैंकलिन। एंड गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन के बारे में। तो गाइस अगर आप इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम खेलते होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे पास में ये वाला न्यू हाउस है, जो कि काफी अच्छा हाउस है। एंड अभी फिलहाल अपडेट के अंदर न्यू एड हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस वाले हाउस के अंदर क्या है। सामने कुछ सोफे रखे हुए हॉल के अंदर। एंड अगर यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर सामने बेडरूम आपको देखने को मिलेगा। बेडरूम के जस्ट सामने यहाँ पर एक टीवी लगा हुआ है जिसको आप देख सकते हो, बट इसको हम चला नहीं सकते। एंड यहाँ पर एक कंप्यूटर है, एंड कंप्यूटर के जस्ट सामने ना यहाँ पर एक बेडरूम है। एंड इस बेडरूम के ऊपर है ना आपको एक AC देखने को मिल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये वाला हाउस काफी एक्सपेंसिव एंड अच्छा है। एंड अगर आप जाओगे यहाँ पर सेकंड फ्लोर पे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये वाला जिम। हाँ यार, हमारे हाउस के अंदर यहाँ पर जिम भी है, जहाँ पर हमारा कैरेक्टर जिम कर सकता है। बट यार इनके जो इक्विपमेंट है इनको हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये अनयूज है। बट यहाँ पर कुछ ऐसी मशीन भी है जिनके ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हो। देखो सामने रनिंग मशीन है, यहाँ पर मैं रनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। बट गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा ग्लिच जो की काफी खतरनाक ग्लिच होने वाला है। तो गाइस सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये वाला बॉक्स, इसके ऊपर जंप करना है। जैसे आप जंप करोगे ना गाइस, ठीक है, तो आप आर पार निकल जाओगे वॉल के। भाई ये काफी खतरनाक ग्लिच है। बट गाइस देखो सामने हमारे हाउस के सामने है ना यहाँ पर एक डिफेंडर खड़ी हुई है, जो कि काफी अच्छी कार है। एंड हमारे गेम के अंदर यहाँ पर ओनली एक ही हाउस नहीं है, बल्कि एक और हाउस है जो की ओल्ड हाउस है, जो की आप सामने देख सकते हो। अब बात करते हैं GTA 5 के बारे में। तो गाइस GTA 5 के अंदर ना यहाँ पर ओनली एक हाउस नहीं है, बल्कि अलग अलग कैरेक्टर के अलग अलग हाउस है। तो गाइस सामने आपको ये वाला हाउस दिख रहा होगा, जो की हमारे फ्रैंकलिन का हाउस है। एंड देखो मैं आपको दिखाता हूँ इस हाउस के अंदर चलकर। तो गाइस ये है हमारा यहाँ पर वॉशरूम, एंड वॉशरूम के साथ में ये है हमारा इसके पास में बेडरूम, जहाँ पर फ्रैंकलिन सोता भी है। ये है यहाँ पर इसका आईना। एंड गाइस यार ये देखो, यहाँ पर है हमारा टीवी, जहाँ पर हम टीवी देख सकते हैं। बट मुझे टीवी को ब्लास्ट करने का मन कर रहा है, बिकॉज मेरा टाइम वेस्ट करता है ये बहुत ज्यादा। एंड सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट बात ये देखो गाइस, हमारे यहाँ पर गणेश जी है गाइस। तो अब बात करते हैं यहाँ पर माइकल के हाउस के बारे में। तो सामने जो हाउस दिख रहा है ये माइकल का हाउस है, काफी एक्सपेंसिव हाउस है। एंड गाइस GTA 5 के अंदर क्या होता है कि आप ना अपना हाउस बाय कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। अब यहाँ पर माइकल के हाउस के अंदर आपको 3 से 4 रूम देखने को मिल जाएंगे। पहला रूम है यहाँ पर माइकल के डॉटर का, जहाँ पर माइकल की डॉटर रहती है। एंड गाइस जो सेकंड रूम आपको दिख रहा है ना, ये माइकल के बेटे का है। माइकल का बेटा बहुत नशा करता है, बहुत ही खराब है वो। एंड यहाँ पर वो गेम भी खेलता है, इसलिए गेमिंग रूम है यहाँ पर। मतलब PC भी रखा हुआ है, PS4 PS5 लैपटॉप भी है। एंड गाइस यार ये देखो, ये माइकल का पर्सनल रूम है, जहाँ पर माइकल एंड माइकल की पत्नी रहते हैं। एंड इस जगह पर आकर माइकल अपने कपड़े भी चेंज कर सकते हैं यार। तो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के NPCs के बारे में। तो सामने आपको ये वाला NPC दिख रहा है, मैं इसके पास में घूम रहा हूँ, मैं यहाँ पर गन भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर ये वाला NPC कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, नहीं ये डर के भाग रहा है। बट GTA 5 में ऐसा नहीं होता है। चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। देखो इसको मारना स्टार्ट करता हूँ, तभी ये मेरे को मारना स्टार्ट करते हैं। एंड इसको मैं मार देता हूँ, ठीक है। बट इसके आस पास वाले NPCs कुछ भी नहीं भागते, वो अपना काम करते रहते हैं। जैसे गाइस देखो सामने ये वाला NPC मेरे को दिख रहा है, मैं इसको फिनिश करता हूँ। सामने ये भी इसको फिनिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब NPCs मूवमेंट नहीं करते, दूसरा वाला जो दूसरा होता है। एंड यहाँ पर इस वाले गेम की पुलिस भी काफी करप्ट है, बिकॉज वो देखो मेरे को मारने की ट्राई कर रहा है, बट मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी हेल्थ कम नहीं हो रहा है। मैं इसको मार देता हूँ, चल निकल यहाँ से। भाई देखो सामने ये कहाँ पर घूम रहे हैं, मैंने यहाँ पर NPCs को मार दिया, ये यहाँ पर घूमे जा रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह की इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की पुलिस है ना यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर GTA 5 के NPCs के बारे में। जैसे आप किसी NPC को मारोगे तो सेकंड वाला NPC अपने आप ही भागना स्टार्ट कर देगा। देखो यहाँ पर मैं फायरिंग करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर फायरिंग करता हूँ
एनपीसी भागना स्टार्ट कर दिए, यानी कि आप अगर एक एनपीसी को मारोगे तो सभी एनपीसी भागना स्टार्ट कर देंगे एंड कुछ एनपीसी तो यहाँ पर पुलिस वाले को फोन कर देते हैं ताकि पुलिस वाले आकर हमें अरेस्ट कर सके। ओके, तो सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये वाला स्विमिंग पूल जो कि हमें यहाँ पर इंडियन बैंक ड्राइविंग 3D के न्यू वाले हाउस के सामने देखने को मिलेगा। बट क्या GTA 5 के अंदर भी हमें इस प्रकार का स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा? तो माइकल के घर के जस्ट पीछे यहाँ पर एक स्विमिंग पूल आपको देखने को मिल जाएगा एंड ये वाला स्विमिंग पूल मुझे यहाँ पर इंडियन बैंक ड्राइविंग 3D की जैसे ही लग रहा है। हाँ, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इंडियन बैंक ड्राइविंग 3D ने यहीं से इस वाले स्विमिंग पूल को अपने गेम के अंदर कॉपी या फिर इंप्रेशन लिया होगा। तो गाइस इंडियन बैंक ड्राइविंग 3D के अंदर अगर आप बीचेस के पास में आते हो ना तो यहाँ पर कुछ चेयर्स रखी होती है यहाँ पर एंड कुछ यहाँ पर अम्ब्रेलास रखी होती है एंड कुछ यहाँ पर टपरी होती है गाइस, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर बीचेस के ऊपर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर है ना, ये मतलब यहाँ पर है एंड यहाँ पर आप मजे ले सकते हो, ठीक है। तो क्या ये सेम चीज यहाँ पर GTA 5 के अंदर में देखने को मिलती है? तो हाँ यार, बिल्कुल देखने को मिलती है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये सब कुछ होता है फिर नहीं। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर GTA 5 के अंदर एंड गाइस देखो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ बीच के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अम्ब्रेलास है, यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर ह्यूमन भी है, ठीक है, यानी कि इंसान भी यहाँ पर मौजूद है बट इंडियन बैंक ड्राइविंग 3D के अंदर नहीं थे। भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं? एंड गाइस देखो सामने बहुत बड़ा एक समुद्र है जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। तो हाँ, यहाँ पर GTA 5 के अंदर भी यहाँ पर बीचेस होते हैं एंड यहाँ के बीचेस काफी ज्यादा अच्छे होते हैं कम्पेयर टू इंडियन बैंक ड्राइविंग 3D। तो गाइस सब बात करते हैं यहाँ पर इंडियन बैंक ड्राइविंग 3D के कुछ पीट्स के बारे में। देखो यहाँ पर ना डायनासोर है, यहाँ पर मेरे पास हॉर्स भी है एंड एक डॉग भी है। मैं इनको आपको ड्राइविंग करके भी दिखा देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर ना डायनासोर को ड्राइविंग कर रहा हूँ एंड इसके साथ यहाँ पर मैं हॉर्स को भी ड्राइविंग करके दिखा देता हूँ, डॉग को भी ड्राइविंग करके दिखा देता हूँ। देखो डॉग को ड्राइविंग कर रहा हूँ। बट क्या ये सब कुछ हमें GTA 5 के अंदर देखने को मिलेगा? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर GTA 5 के अंदर कोई भी पीट नहीं है बल्कि यहाँ पर एक डॉग है जिसका नाम है चॉप एंड ये कोई पीट नहीं है गाइस, ठीक है। मतलब पीट तो अब इसको ड्राइविंग नहीं कर सकते, हम अलग से यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हैं बट वो बात अलग है, हम ओनली गेम के अंदर जो चीज है उसी की बात कर रहे हैं यार। तो गाइस यहाँ पर इंडियन बैंक ड्राइविंग 3D के अंदर काफी सारी कार्स है, अलग अलग कार्स जिनको आप ड्राइविंग कर सकते हैं एंड अलग अलग बाइक्स पे आपको देखने को मिल जाएगी हमारे गेम के अंदर। एंड यहाँ पर काफी सारे एनपीसीज इनको ड्राइविंग करते हैं, उनसे छीन भी सकते हैं, गोस्ट राइडर बाइक, बुलेट, काफी सारी बाइक्स है। एंड अगर बात करें यहाँ पर GTA 5 के बारे में तो यहाँ पर इसके अंदर भी काफी सारी कार आपको देखने को मिल जाएगी, काफी सारी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कार्स आपको देखने को मिल जाएगी, अलग अलग सुपर कार। इसके अलावा यहाँ पर हमारे गेम के अंदर GTA 5 के अंदर काफी सारी बाइक्स भी आपको देखने को मिल जाएगी एंड इनको आप ड्राइविंग भी कर सकते हो। इंडियन बैंक ड्राइविंग 3D के अंदर हमें यहाँ पर ये वाली ट्रेन देखने को मिलती है एंड इस वाली ट्रेन को हम ड्राइविंग भी कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको इसको ड्राइविंग करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर ट्रेन ड्राइविंग हो रही है एंड इसको हम कहीं पर भी रोक सकते हैं एंड ये पूरी सिटी का चक्कर लगा के आती है। बट क्या GTA 5 के अंदर ट्रेन हमें देखने को मिलती है? तो यहाँ पर GTA 5 के अंदर एक ट्रेन नहीं है बल्कि अलग अलग ट्रेन है। देखो यहाँ पर एक ट्रेन आ चुकी है, काफी छोटी ट्रेन है, आप ट्रेन के अंदर एग्जिट कर सकते हैं, ट्रेन के अंदर बैठ भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं बट ट्रेन को यहाँ पर ड्राइविंग नहीं कर सकते, साथ में ना यहाँ पर ट्रेन को रोक नहीं सकते गाइस GTA 5 के अंदर, ये बड़ी बात। तो भाई सब बात करते हैं यहाँ पर मेन चीज के बारे में। इंडियन बैंक ड्राइविंग 3D के अंदर आपको एक फोन देखने को मिलता है जिसके अंदर काफी सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर RGS टूल का जिसके अंदर काफी सारे चीट कोड्स वगैरह लगते हैं, इससे यहाँ पर आप मिशन लोड कर सकते हो, प्रोजेक्ट लोड कर सकते हो, यहाँ पर मिशन रैंप वैम्प वगैरह काफी सारी चीजें कर सकते हो। एंड सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर ईमेल का जो कि यहाँ पर खाली है, कुछ भी नहीं है। एंड तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर क्लोथ चेंज करने का। तो भाई सर यहाँ पर क्लिक करके आप अपने कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हो, अपने बैकपैक चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो लाइक कपड़े, हेयर स्टाइल। तो इसके अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं एंड उस प्रकार से आप चेंज वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर चीट कोड का, जिससे कि अगर मैं डायल करता हूँ यहाँ पर 200 तो यहाँ पर ये वाला हॉर्स आने वाला है एंड अगर मैं डायल करता हूँ यहाँ पर 500 तो यहाँ पर ये वाली कार आने वाली है। तो गाइस यार अलग अलग चीट कोड आपको देखने को मिलते हैं, एक दो चीट कोड नहीं है बल्कि बहुत सारे चीट कोड्स हमारे गेम के अंदर है। एंड गाइस देखो इस प्रकार से कुछ चीट कोड से मैंने यहाँ पर कुछ मंगाया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन, इससे आप अपने ट्रेन को कंट्रोल कर सकते हो, ट्रेन को फॉरवर्ड कर सकते हो, ट्रेन को बीवर्ड कर सकते हो एंड साथ में ना स्टिक बम को एक्टिवेट भी कर सकते हो जो कि हमारा वेपन है स्टिक बम उसको। एंड इसके अलावा गाइस यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं GTA 5 के अंदर क्या फीचर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर GTA 5 के अंदर भी हमें यहाँ पर ये वाला फोन देखने को मिलता है, इसके अंदर काफी सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि जिससे कि हम अपने दोस्तों को बुला सकते हैं मिलने के लिए, जिसके अंदर फॉर फ्रैंकलिन, माइकल, अमेंडा बहुत सारे हैं एंड अगर हम बुलाते हैं उनको मिलने के लिए तो वो मिलने के लिए आते हैं। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर कैमरा का, जिसके अंदर हम किसी की भी फोटो को क्लिक कर सकते हैं। बट इंडियन बैंक ड्राइविंग 3D के अंदर कैमरा तो है बट हम उसको यूज नहीं कर सकते, बट GTA 5 के अंदर कैमरा यूज कर सकते हैं, इसके अलावा चीट कोड्स भी है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर वेपन्स के बारे में। इंडियन बैंक ड्राइविंग 3D के अंदर काफी सारे वेपन्स है लाइक RPG हो गई, AKM हो गई,
स्नाइपर हो गई, इंस्टी की बम हो गया, पिस्टल हो गई, एंड इस वाले पिस्टल एंड एकेएम से हम यहाँ पर किसी भी एनपीसी को या फिर किसी भी कार को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे कि लाइक में करने वाला हूँ, ये देखो भाई डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब बात करते हैं यहाँ पर GTA 5 के बारे में। तो GTA 5 के अंदर ना गाइस है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़े बहुत आपको वेपन देखने को मिलेंगे, बट गाइस है ना आप वेपन परचेस कर सकते हो किसी भी शॉप पे जाकर। देखो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एंड यहाँ पर आकर आप किसी भी वेपन को परचेस कर सकते हो, एंड जिसको भी आप बाय करोगे उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे एंड फिर आपके पास बहुत सारे वेपन आ जाएंगे। तो GTA 5 के अंदर ना काफी सारे वेपन है यहाँ पर कम्पेयर टू इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। तो गाइस सब करने वाले हैं यहाँ पर हम करेक्टर की एबिलिटी टेस्ट। अगर मैं यहाँ पर चलती कार से यहाँ पर जंप करूंगा तो फ्रैंकलिन डाइव होगा या फिर नहीं वो देखने वाले। तो मैंने यहाँ पर जंप कर दिया एंड फ्रैंकलिन नीचे गिरने वाला है, एंड वेट इसकी हेल्थ गई है बट ये सर्वाइव कर गया है। अब देखते हैं GTA 5 के अंदर फ्रैंकलिन को। तो मैं आ चुका हूं यहां पर GTA 5 के अंदर, यहां पर फ्रैंकलिन को एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद में फ्रैंकलिन कार के नीचे आ चुका है बट फ्रैंकलिन यहां पर स्टिल सर्वाइव कर गया है, तो यहां पर फ्रैंकलिन भी सर्वाइव कर सकता है। तो गाइस इन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर स्लो मोशन होता है, जहां पर यहां पर आप क्लिक करोगे ना तो यहां पर स्लो मोशन आपका लग सकता है। तो मैं आपको लगा देता हूं स्लो मोशन, पहले देखो स्लो मोशन यहां पर लग चुका है एंड ये स्लो मोशन काफी अच्छी चीज होती है गेम के अंदर, बट क्या है GTA 5 के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। तो गाइस मैं आ चुका हूं GTA 5 के अंदर एंड मैं यहां पर माइकल को सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे आप एल्ट प्रेस करते हैं ना कीबोर्ड के अंदर तो यहां पर स्लो मोशन तो लग जाएगा बट ये फ्रैंकलिन के ऊपर नहीं लगता है, ओनली माइकल के ऊपर लगता है। तो आपको इसको माइकल के ऊपर ट्राई करना चाहिए, जैसे आप एल्ट प्रेस करोगे ना तो लग जाएगा। तो ये वाला स्लो मोशन यहां पर GTA 5 के अंदर भी होता है। एंड इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर यहां पर ज़ॉम्बी मोड है एंड ज़ॉम्बी आते हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर, एंड यहां पर ज़ॉम्बी का एक अलग से मोड है, यानी कि चैलेंजेस मोड के अंदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर एक ज़ॉम्बी का मोड है एंड ये काफी खतरनाक होते हैं, एयरपोर्ट पे देखने को मिलते हैं। बट क्या GTA 5 के अंदर भी यहां पर ज़ॉम्बी मोड में देखने को मिलता है? तो इसका आंसर है नो, यहां पर GTA 5 के अंदर हमें कोई भी ज़ॉम्बी का मोड नहीं देखने को मिलता है। हां हो सकता है कि हम अलग से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर हमें ये वाली बोट देखने को मिलती है एंड चीट कोड से हम बोट को मंगा सकते हैं एंड समुद्र के अंदर इस प्रकार से इसको चला सकते हैं। बट क्या GTA 5 के अंदर भी है? तो हाँ यार, GTA 5 के अंदर एक बोट नहीं है बल्कि अलग अलग बोट्स में देखने को मिलती है जिनको हम यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं, एंड ये तो छोटी बोट में ड्राइविंग कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी बोट्स हमें देखने को मिलती है जिनको हम ड्राइविंग कर सकते हैं। इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर हमारे गेम के अंदर काफी सारे यहाँ पर डायनासोर्स हैं, एंड अगर आप जाओगे यहाँ पर जुरासिक पार्क के अंदर तो वहां पर जाने पर आपको काफी सारे और मिल सकते हैं। एंड हमारे गेम के अंदर यहाँ पर जुरासिक पार्क भी एड है, जिससे कि आपको जाने से पहले 9129 से आपको इनफिनिटी हेल्थ करना पड़ेगा वरना डायनासोर आपको मार सकते हैं। बट क्या GTA 5 के अंदर भी है? तो इसका आंसर है यहाँ पर GTA 5 के अंदर यहाँ पर जुरासिक पार्क एंड डायनासोर एड नहीं है बल्कि हम अलग से एड कर सकते हैं। बट बात यहाँ पर गेम के अंदर है उसकी हो रही है, तो GTA 5 के अंदर डायनासोर एंड जुरासिक पार्क हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो गाइस मेरा ये मानना है कि GTA 5 भी बेस्ट गेम है एंड इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D भी बेस्ट गेम है, बट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इन दोनों गेम में से कौन सा गेम बेस्ट है। बिकॉज यहाँ पर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D एक मोबाइल गेम है एंड GTA 5 एक PC गेम है। तो आप बताओ कमेंट में कि कौन सा गेम बेस्ट होने वाला है। एंड हाँ गाइस यार, वीडियो बनाने में टाइम लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, एंड इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।